नमस्कार। नवंबर माह का आगमन हो चुका है और इसके साथ ही शीत ऋतु ने भी अपने आगमन की दस्तक देती है। गर्मी की चिलचिलाती धूप और असहनीय पसीने से राहत मिल गई है और अभी का मौसम हमें हर तरह से सुकून प्रदान कर रहा है। यूं तो इस मौसम में उत्तर भारत में काफी आनंद आता है, लेकिन पहाड़ों की सर्दी की बात ही कुछ और होती है। पहाड़ों का तापमान अब धीरे धीरे काफी कम होने लगेगा और इसके साथ ही आगे के महीनों में हमें स्नोफॉल भी देखने को मिलेगा। इस मौसम का आनंद लेने के लिए कई लोग हिल स्टेशन की यात्रा का प्लान बनाते हैं, लेकिन अगर आप एक अच्छी प्लानिंग के साथ वहां नहीं गए तो आपको परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इतनी ठंड को सह पाना सबके बस की बात नहीं होती। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि सर्दी के मौसम में हिल स्टेशन की यात्रा आपको किस प्रकार करनी चाहिए और किन आवश्यक चीजों को अपने साथ जरूर लेकर जाना चाहिए। पहाड़ों पर ठंड बहुत होती है, खासकर दिसंबर, जनवरी और फरवरी में। यहाँ तापमान माइनस में भी चला जाता है, तो इससे बचने के लिए आपको कम से कम 4 लेयर्स के कपड़े पहनने चाहिए। थर्मल वियर, फ्लीस टॉप, वुलन स्वेटर, विंड चीटर या लेदर जैकेट, कम से कम इतने कपड़े आप जरूर पहने। अपने साथ अच्छे ब्रांड का वाटरप्रूफ जैकेट, जो कि 0 डिग्री के नीचे के तापमान के लिए बना है, वह जरूर पहने। जीन्स या ट्राउजर के नीचे थर्मल वियर पहनना ना भूलें। वाटरप्रूफ जूते, 3 से 4 जोड़ी वुलन मोजे, वाटरप्रूफ ग्लव्स, वुलन कैप्स, इन सब चीजों को अपने साथ जरूर रखें। अगर बच्चे भी आपके साथ हैं तो उनके लिए एक्स्ट्रा कपड़े और एसेसरीज रखना ना भूलें। बारिश से कपड़े खराब होने का भी डर रहता है और बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अपने और अपने बच्चों के लिए छाता, रेनकोट, बैकपैक कवर, पॉन्चो, टॉर्च, आईडी प्रूफ्स, इन सब चीजों का इंतजाम अपनी यात्रा की शुरुआत करने के पहले कर लें। कम से कम 45 लीटर का बैकपैक अपने साथ हमेशा रखें, जिसमें कि आप इन सारे जरूरत के सामानों को हमेशा कैरी कर सकें। इसके अलावा सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर, सनग्लास, लिप बाम, हेयर ड्रायर, पावर बैंक, सैनिटाइजर, इन सारी चीजों की भी आवश्यकता आपको जरूर पड़ेगी। आपको कुछ जरूरी दवाइयां भी अपने साथ कैरी करनी है, जिसमें बुखार, बॉडी पेन, वॉमिटिंग, पेट दर्द आदि शामिल है। साथ ही डार्क चॉकलेट, टॉफीज और च्विंगम भी जरूर रखें, ताकि इंस्टेंट एनर्जी के लिए आप उन्हें यूज कर सकें। मफलर, स्कार्फ्स, ईयर मफ्स आपको ठंड से बचने में मदद करेगा। एक और चीज, हिल स्टेशन पर आपको हर जगह एटीएम नहीं मिलता, तो अपने साथ कैश जरूर रखें। तो ऊपर बताई हुई सारी चीजों को ध्यान में रखकर आप अपनी यात्रा की प्लानिंग करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ प्रोडक्ट्स के लिंक भी शेयर किए हैं, जिनकी क्वालिटी विंटर सीजन के हिसाब से काफी अच्छी है और जिन्हें आप खरीद सकते हैं। बाकी हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, तो अपने शरीर के हिसाब से अपने यात्रा की प्लानिंग अच्छे से करें और बर्फ से भरे नजारों का आनंद अपने पसंदीदा जगह पर प्राप्त करें। धन्यवाद।